तो हम लोग ये देख रहे थे जेड इफेक्टिव कैसे निकालना है। तो जेड इफेक्टिव वॉज द पॉइंट ऑफ आर लास्ट डिस्कशन इन आर लास्ट लेक्चर, एंड वी फेल्ट वी अंडरस्टूड प्रोबेबली दैट जेड इफेक्टिव मेजर्स द एक्यूरेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। एंड क्लास का जो है ऐसा लग रहा है जैसे टीआरपी ऑल टाइम लो पे है भाई, 45 बच्चे, बाकी लोग अभी भी नहीं है। इट्स 9:15। आई अंडरस्टैंड थोड़ा कैमरा ऑन करने के चक्कर में तुम्हें अपने गेटअप का ध्यान रखना पड़ता है, बट स्टिल कल TWT है। ओ हाँ, कल TWT है। यस, कल तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक वाइज टेस्ट है मुझे बताओ। तीनों सब्जेक्ट्स के हैं क्या भाई? हाँ सर, तीनों हाँ सर, तीनों के तीनों के हैं। तो मैथ्स का और फिजिक्स का टाइमिंग क्या है भाई? सर। फिजिक्स 4 to 5 है, मैथ्स को अब तक बोला है फिजिक्स का कब से कब तक है? 4 to 5। 2 to 5, 4 to 5 है। तो हम लोग केम जो है इसके बाद रख देते हैं भाई, क्यों? सर मॉर्निंग को रखो ना। हाँ सर, मॉर्निंग। हाँ सर, दोपहर को रख दो, मतलब मॉर्निंग दोपहर। मॉर्निंग को रख दें, चलो ठीक है। केम कुछ 9 बजे के आसपास से रख दें। नहीं सर, इतना भी नहीं सर, 10 to 11। 11 to 12। 10 to 11 हाँ सर, रख 11 to 12 चलेगा। सब लोग तुम ही चूज कर लो ना अपने हिसाब से, कब तुम्हारा आंख खुलेगा। सर तीनों टेस्ट एक ही साथ ले लीजिए ना, पार्ट टेस्ट जैसा सर। ये क्या, 1 घंटे का एक टेस्ट फिर 1 घंटे का ब्रेक सर, ऐसे बहुत टाइम चला जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा अब शायद मुश्किल है, बिकॉज वो पेपर लॉन्च होके जो है वो हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। तो एनी विच वेज वो पेपर इसके साथ में क्लब नहीं हो सकता है अब, समझ रहे हो? सिंगल पेपर शूट हो चुका है, तो इसको हटा के शायद शायद अपर्णा मैम जो हैं वो मेरी तो हिम्मत नहीं है बोलने की, सजेशन देने की, तुम ही दे दो उनको। ठीक है, तो अब तो ऐसा ही कर लो, ठीक है, अगले संडे जो है तीनों एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, वो तो ऐसे भी होने ही वाली है। वैसे भी अगले संडे तीनों एक साथ है। तो सभी लोग कैमरा ओपन कर लें भाई, सभी लोग कैमरा ओपन कर लें। हाय विवान। सर वो जो असाइनमेंट 14 में जो श्रोडिंगर के इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस है ना सर, उस टाइप के आएंगे क्या? जो एक आध सवाल हम लास्ट में कर रहे थे उसको हटा दिया जाए, तो बाकी सवाल तो अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन सा 12th या 13th प्रॉब्लम जो है, हाँ 13th वाला। ठीक है, उसके अलावा जो उस भाई उसके अलावा बाकी सब तो हमें समझ में आना चाहिए ना। हाँ सर वो सब आ जाते हैं, मुझे वो लास्ट वाला बड़ा अजीब था नहीं सर। नहीं लास्ट वाला तो भाई ऑब्वियसली अजीब है बेटा, वो तो खैर अगर अगर वो इंटीग्रेशन के लिए एक्सप्रेशन भी आता है तो भी बहुत ही सिंपल वाला एक्सप्रेशन आएगा, जैसे 1s का फंक्शन आ गया जिसमें तुम्हें मतलब कुछ कुछ ऐसा आएगा जो तुम आराम से कर पाओ। ठीक है, तो उसमें तुम्हें वो वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, वो तो चलो वन ऑफ इट्स काइंड प्रॉब्लम है, मुझे पता भी था कि इतना लंबा होगा, इसलिए मैंने पहले ही बोला था ना भाई, ये शुरू किया फिर खत्म नहीं होगा। हाँ सर, हाँ, तो मैंने अब तक कुछ नहीं करवाया। हेलो कृष्णा, तुम इतना इनफ्रीक्वेंट क्यों हो कृष्णा, क्या हुआ अभी? लास्ट लास्ट 1-2 क्लास नहीं थी। ठीक है। ख्याति, चिराग, चलो भाई सब लोग सेटल हैं, तुम लोग की एंट्री जो है वो क्लास में अभी तक भी सब लोग नहीं आए हैं। चलो भाई चलो। तो वी वर स्टडिंग फॉर जेड इफेक्टिव सिंस लास्ट 2 क्लासेस, एंड हम लोगों ने देखा था कि जेड इफेक्टिव जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव तुम्हें 2 सवाल दिए थे, मैंने अब तक कुछ नहीं करवाया, देखो प्रसन्न। कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव तुम्हें 2 सवाल दिए थे, एंड दोज 2 प्रॉब्लम्स वर
सोडियम एंड पोटेशियम, राइट? ऑक्सीजन का हमने निकाल लिया था क्या भाई? नहीं सर, नाइट्रोजन और उसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन माइनस, सपोज ये सवाल है, ठीक है प्रसन्न? देखो तो n n माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज क्या है भाई, क्या है मनीष n माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऐसे n माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, जब भी माइनस साइन हो तो पीरियोडिक टेबल में एक स्टेप आगे चले जाया करो, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद n के आगे क्या है भाई? ऑक्सीजन, वो की आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, इट इज 1s2, 2s2, दो दो चार, और इसमें छह आ सकते हैं लेकिन मुझे सिर्फ पांच डालने हैं, 2p5, एंड इसको ब्रैकेट्स में डिवाइड किया हमने, 2p4, सॉरी 2p4, तो इसको हमने ब्रैकेट्स में डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इधर और इधर, ठीक है? और मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो मैं इसके लिए निकालूंगा, तो इसके लिए शील्डिंग या स्क्रीनिंग जो है सिग्मा, वो बताओ कैसे निकाला जाएगा? दैट विल बी मैनेज्ड एज कि सिग्मा जो है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी हेल्प करोगे मनीष? क्या था भाई, बहुत कम याद है सर, कैसे लिखते थे हम लोग? वो 4 × 0.35 × 0.35, ये नंबर 4 तुमने कैसे बताया सर? 2s और 2p है ना, देन 2 and 2, 2s का 2 और 2p का 2, यस सर, लेकिन 2p में तो चार इलेक्ट्रॉन्स है ना मनीष? सुनो, एक्सेप्ट इटसेल्फ जब हम छोड़ते थे तो हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे ना भाई, तो चार और दो छह में से पांच लिए जाएंगे ना भाई यहाँ? यस यस सर, हाँ रोहन, दिस प्लस, यस अद्वैत सर, वो थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा था। ओके, अगले वाले के लिए क्या लिखूं बताओ, अंदर वाले के लिए क्या नंबर था ब्रैकेट के लिए? बड़ा नंबर है ना, तो ये 2.85, ठीक है, ये नंबर कितना आता है सॉल्व करने से भाई जल्दी? सुदीप, तनिषा, तोनल ने बताया है 3.45 आएगा, 5.5 की 3.45 हमारे पास में सिग्मा है, एंड जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 7 माइनस 3.45, दैट इज इक्वल टू 3.55. सो ये नोट करके यू हैव टू राइट दिस थिंग दैट वी हैव अ सीक्वेंस, वी हैव अ पैटर्न हियर. And what is the pattern? The pattern is that, देखो, तुम्हारे पास में same nucleus है guys, ठीक है, same nucleus है, किसका nucleus है बताओ? वो nitrogen का, and nitrogen के nucleus में suppose ये nitrogen atom है, ठीक है, पहला orbit 1, 2, और ये दूसरा orbit 1, 2, 3, 4 और 5, इसके अंदर सुनो जितना फोर्स लगता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पे, ये इसका साइज डिटरमाइन करता है ना भाई, ये इसका साइज डिटरमाइन करता है, ये एक रोल प्ले कर रहा है साइज में। जैसे ही तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया,
वन रिमूव्ड, तो रिमूव करते ही क्या होगा बताओ, इसका जो सब पे शील्डिंग था वो क्या हो गया, हट गया। तो ये एक बच्चा बेंच से हटने से तुम्हें टीचर ज्यादा साफ दिखाई देगा ना, बताओ। तो ऑल्दो कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे अभी भी इसमें दो ऑर्बिट्स हैं गाइज, कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे अभी भी इसमें दो ऑर्बिट्स हैं, एक और दो, और अगले ऑर्बिट में जो है वो क्या होगा बताओ, अब पांच की जगह चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पांच की जगह चार इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज जो है वो क्या हो जाएगा, एन प्लस का थोड़ा सा कम। मतलब कैटायंस हमेशा साइज में क्या होते हैं बताओ, वन टू थ्री फोर, ये एन प्लस है, ये एन है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर तुमने इसमें ठूंस दिया, और ठूंसने से क्या होगा भाई तुम्हारे पास में, ये एक बड़ा हो जाएगा साइज, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो जाएगा, एक दो, एक दो तीन चार पांच छ, वन एडेड एन माइनस। मतलब डिफॉल्ट हमने क्या सीखा बताओ, हमने डिफॉल्ट ये सीखा कि अ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन अ न्यूट्रल एटम एंड अ न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज स्मॉलर देन एन एनायन इन टर्म्स ऑफ साइज, एन प्लस इज लेस देन एन इज लेस देन एन माइनस। इसको नोट कर लो प्लीज, तो अगर तुमसे Z effective of O पूछा जाए, Z effective of O पूछा जाए, ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें कैलकुलेशन में, इसके अंदर कैलकुलेशन में सिग्मा क्या आएगा बताओ, 3.45, वही सेम आएगा, बिकॉज एन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो वही है, बस 8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 3.45 एंड जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.45 दैट इज 4.55। ओके मनीष, सबने छापा, सर आज आप बोर्ड पे पढ़ाने वाले थे, ऐसा था क्या, सुबह सुबह 9 बजे क्लास में उठ के बेरली जो है वो आँख खोल के बोर्ड लैपटॉप तक पहुंच पाया हूँ प्रसन्ना, ऑक्सीजन को 2P5 लिख रहा हूँ, देख नहीं रहे हो यार, सब लिखा, देखो तो ऑक्सीजन का जो जेड इफेक्टिव 4.55 आया है, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, इससे हम लोग ये करने वाले हैं दैट कंपेयरिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वी कंक्लूड, व्हाट डू वी कंक्लूड दैट ऑन मूविंग, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है बताओ, जेड माइनस सिग्मा है ना बताओ,
ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियड टेबल में मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से सिग्मा बढ़ रहा है. क्यों सिग्मा क्यों बढ़ रहा है बताओ? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, राइट. एंड जेड भी ज्यादा बढ़, एंड जेड भी बढ़ रहा है, लेकिन द इंक्रीज इन जेड इज एक्चुअली बाय वन. एटॉमिक नंबर वन से बढ़ रहा है ना, बताओ, सेवन से एट से नाइन से टेन. और द इंक्रीज इन सिग्मा इज बाय 0.35. तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से एक्चुअली जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज हो रहा है. सो इवन दो द एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, द एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन सेम ऑर्बिट. एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एड हो रहे हैं इन सेम ऑर्बिट, बट स्टिल देयर साइज इज श्रिंकिंग ड्यू टू इंक्रीज अट्रैक्शन. ये सेंटेंस अब सेंस बना रहा है क्या बताओ गाइज? तुमको बचपन की क्लासेस में लेफ्ट टू राइट मूव करने से साइज डिक्रीज होने का रीजन क्या बताते थे? कि जब हम उनका पुल बढ़ जाता है जब हम लोग एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐड करते हैं, तो उसमें इंक्रीज अट्रैक्शन होता है. तो उस चीज को हमने प्रॉपरली क्वांटिफाई करके एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों हो रहा है. स्कूल में बस सर इतना बताया गया था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए ऐसा होता. नहीं, स्कूल में ऐसे ज्यादा बता भी नहीं सकते थे, वो तो ठीक है. इट्स नॉट लाइक उन्हें आता नहीं था. इट्स नॉट सर, हम लोग को अच्छे समझाया था, बट लेकिन ऐसे क्वांटिफाई करके नहीं पता था. वी वर टोल्ड लाइक जो इफेक्ट है प्रोटॉन एक बढ़ने का वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एक बढ़ने का, तो भले ही इलेक्ट्रॉन आएगा प्रोटॉन उसको ओवरपावर कर देगा वैसा कुछ. हां वो मतलब इट वाज बिकॉज़ यू वर अनबिलीवेबली डम इन प्रीवियस क्लासेस. अब तुम एक दो आयोटा थोड़े बेटर हो. इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ना. अरे बच्चे, वही तो हमने अकाउंट में लिया है. सुनो, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उनमें रिपल्शन जो बढ़ेगा वो रिपल्शन इस एक्सटेंट से बढ़ेगा ना. तो रिपल्शन बढ़ रहा है, मेरी बात सुनो, रिपल्शन बढ़ रहा है. पार्थ माइक ऑन करो. अच्छा, एक तो हैरी मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा मुझे कैमरा क्यों नहीं दिखाई देता है, और वो हमेशा का इशू है, रिजॉल्व ही नहीं हुआ. तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो ना? मलायक, उत्कर्ष, हाँ मतलब अच्छे से खा पी लेना सब. क्रिश, शर्वर, ये तो पलंग ऑडियो ही कनेक्ट कर रही हैं. लोगों का मतलब हालत जो है क्या डेट है भैया? अर्पित, शक्ल दिखाने लायक तो दिखा दो भाई. अच्छा, पावर फ्लक्चुएशन. तुम सबने एक ही बहाना मार दिया सबने यार, गलती से. नोटिस कर रहे हो तुम क्या? थोड़ा
एरिएशन तो लाओ पावरफुल पावर, बट समझ में आ रहा है। ओके एग्जॉस्टेड हैं ये। हाँ मैं ये बोल रहा था, कहाँ गया पार्थ? कैमरा सॉरी माइक ऑन करो नलायक। हाँ सुनो, तुम जो बोल रहे हो ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रहा है इसलिए न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, यही चीज तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की कि एन माइनस का साइज बड़ा क्यों है बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ा और साइज इसका क्या हो गया बताओ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ा जेड इफेक्टिव कम हो गया तो साइज इसका बढ़ गया। बट तुम एक चीज भूल रहे हो कि ऑक्सीजन जब मैं आ रहा हूं ऑक्सीजन के लिए तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज 8 हो गया है ना भाई अब। हाँ तो इसका इंक्रीज 0.35 है, इसका इंक्रीज 1 से है ना, देखो ना अभी तो ओवरऑल इंक्रीज जो है 1 माइनस 0.35 दैट इज 0.65 से इंक्रीज है भाई इसका। अच्छा जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ रहा है, इसलिए अभी भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा तो उसके बाद में था जेड इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, किसी ने निकाला क्या भाई? सर मैंने निकाला था। हाँ सर मैंने भी निकाला सर, 2.2 कितना? 2.2 आया। अभिन कितना आ रहा है? हाँ सर 2.2 ही आ रहा है, आलोक का 2.2। ओके और फिर पोटेशियम निकाला गया अभी सुनल? मुझे पहले बताओ कि सोडियम और पोटेशियम में किसी को सब किसी को कुछ डाउट है, एम्बिग्विटी है, किसका साइज बड़ा है? किसका साइज बड़ा है? पोटेशियम बड़ा, पोटेशियम सोडियम के साइज से, इसलिए एक्सपेक्टेड वी नो, ये बात तो हमें पता है, इसके पास में नोट कर लेते हैं। तो बताओ एक्सपेक्टेड क्या था कि जेड इफेक्टिव सोडियम में ज्यादा होगा, सोडियम में ज्यादा होगा, पोटेशियम में कम। समझ रहे हो क्या अर्पित? यस सर, यस सर। तो जिन लोगों ने नहीं निकाला है एक बार चेक तो कर लें पहले सही है कि नहीं है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अद्वैत, बोलो अद्वैत जल्दी बोल दो, एटॉमिक नंबर अद्वैत इसका। हेलो। हाँ हेलो। हाँ क्या और बताओ क्या हाल है? एनए का। ओ तुम तो एकदम प्रोफेशनल हो, टू द पॉइंट। हाँ एनए का एटॉमिक नंबर 11। थैंक यू अद्वैत। कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे यार? कैसी क्लास हो गई है तुम्हारी यार, सब सो रहे हैं। तुम लोग फर्स्ट क्लास में ऐसे होते हो कि आज कुछ स्पेशल दिन है, कल कुछ था क्या कुछ खास? सर मैंने बोला तो सही आपको, इनको मतलब भी नहीं पता होगा। सर ऐसे जनरलाइज मत करो सर, आज सैटरडे सर, इसलिए सर आज हैलोवीन है। सर हैलोवीन 1 2 2 2
सर ठंड थोड़ी सर पड़ने लगी अब थोड़ी थोड़ी सर आलसी हो गए। तो मतलब जो है कौन से तुम ओरिजिनली कहाँ से हो अभिन्न? सर मैं ऐसे तो ब्रॉड अप इन महाराष्ट्र ही, वैसे मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से हो, ठंड में गए हो वहाँ पे? नहीं सर वाट लग जाती। ठीक है, वो मैंने मैंने देखा कि दिसंबर में मेरे सोसाइटी का गार्ड जो है एक्चुअली वेंट आउट एंड आई सॉ कि वो जो है वो एक्चुअली कढ़ाई में लकड़ी में आग लगा के उसके पास बैठा था एंड आई वाज मैं मतलब देख के सरप्राइज था कि ये बॉम्बे के 20 डिग्री सेल्सियस में आग पे बैठा है। तो मतलब अगर ये बीकानेर चला गया ठंड में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो वहां तो कपड़ों में आग लगा लेगा। मतलब ये तो तुम्हें बॉम्बे में तुम्हें ठंड का इफेक्ट फील हो रहा है अभी? सर थोड़ा। सर सिर्फ समर और मॉनसून दो ही सीजन होते हैं यहाँ पे। कहाँ तुम खैर चलो सोडियम का 11 1s2 2s2 2p6 3s1 इसको ब्रैकेट्स में काटोगे अद्वैत? 1s2 और 2s2 2p6 3s1 इसके लिए सिग्मा लिखोगे अद्वैत? हाँ उस जीरो है। यस एक्सेप्ट इटसेल्फ, सुनो एक्सेप्ट इटसेल्फ इस ब्रैकेट में कितने हैं भाई? जीरो। जीरो, तो ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कभी कभी गलत हो जाती है हमारी। ठीक है, तो इसलिए इसमें कुछ है ही नहीं तो पहले वाले में 0.35 का फैक्टर आएगा ही नहीं भाई। ये बात समझ में आ रही है क्या? प्लस अंदर वाले के लिए बोलो अद्वैत। 0.85 into 10 हाँ 10 नहीं बच्चे, ये देखो ना इसके अंदर 8 है ना। हाँ तो इसके लिए 0.85 और अंदर वाले के लिए कितना है बताओ? 1 1। हाँ ये नंबर कितना हो रहा है अभी मेरे पास में? 8.8 बता रही है चारू भी 8.8। इसलिए जेड इफेक्टिव जेड इज इक्वल टू 11 है तो इसके लिए जो जेड इफेक्टिव फील हो रहा है दैट इज इक्वल टू 11 - 8.8 दैट इज इक्वल टू 2.2। ठीक है पलक मैम, ऑडियो कनेक्ट हुआ क्या आपका? सर मेरा तो कैमरा ऑन है। यस सर मेरा भी ऑन है सर, मैम ने मेरा भी नाम लिख दिया। मेरा भी ऑन है सर। मैम के कुछ ना कुछ तो दुश्मनी है तुमसे, क्या बोला जाए? सर मेरा पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में ऑफ दिखा रहा है बट एक्चुअली ऑन है मेरा। स्मिथ कहाँ हो तुम स्मिथ? अच्छा ऐसे मैम एक बार इनकी शक्लें देख लीजिए, एक बार इनकी शक्ल देख के मैम ग्रुप पे डाल दीजिए आप जब आपको जैसे भी सूट करे। ठीक है और ग्रुप में लिख दीजिए कि इनके भविष्य की जिम्मेदारी आप ही लोगों पे है भाई। ठीक है और लिख दीजिए हैरी को कोई जूम सिखा दे पहले, स्पेशल मेंशन कर दीजिए सर YouTube ट्यूटोरियल वो केमिस्ट्री लेक्चर के साथ साथ जूम ट्यूटोरियल लेक्चर्स भी कर ले भाई ऑनलाइन। हाँ भाई 8.8 है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? देखो पोटेशियम के लिए हमारे पास में क्या सिस्टम है भाई, K के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए K का एटॉमिक नंबर, K का एटॉमिक नंबर याद है क्या भाई अभिजीत? क्या था भाई? 19 19
19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जल्दी बोल दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। बिल्कुल सही। और ब्रैकेट्स में काट दें तो वो मैं कर देता हूँ, चलो थोड़ी हेल्प कर दी। इसके लिए एक्सप्रेशन बोल दो जल्दी से सिग्मा का। 8 into 0.35। यस, तो पहला टर्म 0, 8 into 0.35, ये इस ब्रैकेट का टर्म। और 10 into 1, प्लस 10 into 1, इन दोनों ब्रैकेट्स का टर्म। तो सिग्मा क्या निकल के आ रहा है भैया? अभिजीत 16.8 बताया भाई चारुनी। तो और इसके लिए z इफेक्टिव निकालेंगे तो वो हमारे पास में 19 minus 16.8, 2.2 निकल के आ रहा है। What is wrong in this? Something happened जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग था। What is wrong in this? Frankly बताऊं, इसके अंदर कुछ wrong नहीं है, ठीक है। एंड हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग को क्यों ये गलत इंटरप्रेट हो रहा था। तो उसको उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कि व्हाट वाज टॉट टू यू, तुम्हें सिखाया गया था। देखो सुनना ध्यान से धनुष, देखो कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सिंस जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है सो साइज डिक्रीज करता है ना धनुष? ये सिखाया गया था। अच्छा, व्हाट यू कंक्लूडेड ऑन योर ओन, ठीक है, व्हाट यू कंक्लूडेड ऑन योर ओन वॉज के इफ साइज विल इंक्रीज देन जेड इफेक्टिव मस्ट क्या बताओ? डिक्रीज होना चाहिए। ये तुम्हें नहीं सिखाया गया था। अब मैं तुम्हें सबसे पहले तो इसके अंदर एक फ्लॉ बताता हूं। अब इसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो पेन वेन रख दो, अपना ब्रेकफास्ट रख दो, ठीक है उत्कर्ष, जो मुंह में डाला है उसे खाना बंद करो, ठीक है। और देखो यहां ध्यान दो, ठीक है। जेड इफेक्टिव को शायद हमने शुरू से गलत समझा, ठीक है। रुको रुको रुको, रुक जाओ मनीष, कॉपी मत करो, रुक जाओ, ऊपर देखो। जेड इफेक्टिव को हमने शायद शुरू से गलत समझा। मैं तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ठीक है। एक मैंने यहां पे एक जो है +1 कूलम का चार्ज रखा, ठीक है, और मैंने यहां पे जो है वो तुमको रख दिया, ठीक है। आई मेड यू सिट हेयर, ठीक है, तुम आराम से बैठे हो चेयर पे यहां पे, ठीक है, चेयर पे बैठे हो तुम यहां पे, एंड जो है तुम्हारे ऊपर भी एक चार्ज है, ठीक है। एंड तुमको पूछा कि तुम्हें अभी कितना चार्ज फील हो रहा है, और मैंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम 1 कूलम का चार्ज रखा, यहां पे 1 कूलम का चार्ज रखा, ठीक है, एंड मैंने तुम्हें थोड़ा सा दूर ड्रैग कर दिया। आई अगेन मेड यू सिट ऑन अ चेयर विच वॉज फार्दर फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड तुम्हें अब पूछा कि अब बताओ कितना चार्ज फील हो रहा है। इन दोनों जगह पे, दोनों बिल्कुल अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, अलग अलग रूम में हो रहे हैं दोनों जगह में, ठीक है, जेड वन और जेड टू में से किसका जेड ज्यादा होगा बताओ? बोलो अभिजीत। फर्स्ट वाले का। बोलो स्मिथ। सर के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर से फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा ना? हाँ सर फर्स्ट वाले। अर्पित यू gave me a hope and ठीक है, then you slapped on my face. बस तुम बस Z1 Z2 इन जो जेड इफेक्टिव इसको फील हो रहा है वो है, जेड इफेक्टिव फील हो रहा है, हाँ जो भी फील हो रहा है। अच्छा नहीं सर, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा सर। हाँ सर, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि दोनों चार्जेस नहीं। सुनो देखो, तन्मय का, राधिका का पहला जवाब देखो सही है, Z1 equal to 1 है, Z2 equal to 1 है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली
कि जेड इफेक्टिव जो तुम बोल रहे हो कम हो गया है, वो तुम जो है सोच रहे हो कि तुम डिस्टेंस से दूर हो गए हो तो तुम्हें चार्ज कम दिखाई देगा, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ तन्मय, तुम्हें फोर्स कम दिखाई देगा, ऐसा है। तो जो फोर्स है वो एक्चुअली क्या होगा बताओ, के इंटू वन इंटू तुम्हारा चार्ज क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर, और जो इसका फोर्स है ये एफ वन है, और जो इसका फोर्स है एफ टू, वो अभी भी क्या रहेगा, के इंटू वन इंटू क्यू अपॉन आर टू स्क्वायर। तो ये बात सही है कि इसका एफ टू जो है वो क्या है बताओ, लेस है, और इसका एफ वन जो है वो क्या है बताओ, मोर है। लेकिन जेड इफेक्टिव क्या है बताओ, जेड इफेक्टिव क्या है बताओ, same. ये सेम है। तो तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो तुम सोडियम और पोटेशियम में यही मिस्टेक कर रहे हो। द प्रॉब्लम इन सोडियम एंड पोटेशियम इज कि जस्ट बिकॉज पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इसका मतलब तुमने ये कैसे कंक्लूड कर लिया कि उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा भाई, ऐसे ही बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए कैसे कंक्लूड कर लिया कि उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, ठीक है? अरे भाई उसका इलेक्ट्रॉन दूर है तब भी ऐसा हो सकता है ना भाई कि जेड इफेक्टिव कुछ और निकल के आ जाता, कम ना होता। रही बात ये कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ? इतना तुम्हें टेंथ में शायद तुमने पढ़ा होगा कि सोडियम और पोटेशियम किसका इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है बताओ? पोटेशियम, वो ज्यादा मेटलिक, ज्यादा आसान है। तो पोटेशियम का ज्यादा आसान है निकालने का, निकालने का रीजन क्या है उसका? ओ शिट सॉरी, हाँ उसका जो रीजन है, ठीक है, वो रीजन जेड इफेक्टिव नहीं है, उसका रीजन क्या है बच्चों? उसका रीजन आर है, क्योंकि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन दूर है, तो सेम जेड इफेक्टिव से भी बताओ उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है बताओ? अजीब सा टेस्ट है वो ये है कि आपने लेफ्ट टू राइट जाते समय फिर क्या हमें वो बनाया था कि लेफ्ट टू राइट जाते समय आपने जेड इफेक्टिव से बोल दिया साइज कम हो रहा है, तो अभी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा इस पेज को कॉपी कर लो फिर हम देखते हैं। सर अभी तो एक्स्ट्रा मतलब अभी तो पीरियड में आना नया, तो फिर उससे लेफ्ट राइट नया और भी आ गया। फिर से एक एक करके बोलो, अर्पित क्या बोल रहे हो बोलो। सर जो आप बोल रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज छोटा होगा, वो तो होगा ही, बट अभी इस केस में वो नहीं होगा क्योंकि हम नए पीरियड में आए हैं तो फिर नए सब सेल्स आ गए। बस 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 बिल्कुल ऑलमोस्ट तुम ऑलमोस्ट आंसर की तरफ तुम उल्टे खड़े हो, बस जस्ट एकदम अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है किसी को, हाँ बस आ गया समझ में लेकिन नहीं क्लियर नहीं है। हाँ हाँ क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। खैर एनीवे इसको जरा सर ऊपर वाले सवाल में 8 into 0.85 होना चाहिए ना? ऊपर वाले सवाल में किसमें, पोटेशियम की सोडियम बच्चे? पोटेशियम में 8 into 0.85। I'm sorry. I'm so sorry. बिल्कुल। एकदम बिलो द स्टैंडर्ड टीचिंग और बिलो द स्टैंडर्ड क्लास परफॉर्मेंस और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन आज हम विटनेस कर रहे हैं। दिस इज द लोएस्ट स्टैंडर्ड सैटरडे। हाँ हर दिन जो है तुम घर पे बिस्तर तोड़ते हो और जो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास के नाम पे तुम जो स्कैम करते हो। नहीं सर देखा जाए तो ऐसे जनरल डे पे सबसे ज्यादा एक्टिव आपकी ही क्लास में। ये तुम्हारा मोस्ट एक्टिव है तो बाकी सब में क्या? सर ये नहीं सर आपका क्लास केमिस्ट्री की वजह से नहीं सर, क्योंकि आपका टाइम बीच में ना दोनों के। अगर बस चले ना तो तुम लोग इलेक्ट्रोक्यूट कर दूंगा।
ऐसे कैसे जो है तुम्हारा मूड ना बने, मतलब तुम्हारा ऐसी तैसी जो है मूड की लास्ट स्लाइड दिखाएं। लास्ट स्लाइड, अरे इसमें तो इतना सारा लिखा है यार, ये वाली स्लाइड जल्दी देखो, जल्दी देखो विश्वजीत, ये नहीं लिखा क्या भाई? सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं? नेक्स्ट पे जाएं विश्वजीत, हैरी। सर एक डाउट है। हाँ सर, जब ज्यादा नीचे नहीं सर, हम लोग राइट साइड जाने का हम लोग ये रीजन दे सकते हैं ना कि बहुत आगे जाएंगे तो डी ब्लॉक ये सब भी आ जाएगा एंड व्हाट नॉट, तो डी की वजह से और इफेक्ट करेगा। मैं बताऊं तुम्हें फ्रेंकली, अगर हमने इसमें डी ब्लॉक तो इंक्लूड किया ही नहीं है, हम तो डी में तो अलग ही लोचा है फ्रेंकली यार। सर जो आपने ये एग्जांपल दिया वो उसमें जो वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जेड इफेक्टिव सेम कैसे आया? जेड इफेक्टिव सेम कैसे आया, एक बार इसे कॉपी कर लो, मैं दोबारा बताता हूँ। ओके सर। तो सर कुछ आवाज आ रहा है, सर कोई तड़प रहा है, कोई तड़प रहा है, किसी को सीक्रेटली इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हो क्या? कहां से आवाज आ रहा है भाई? सर शायद कुछ वायरिंग में, अपने हेडफोन्स में नहीं क्या? नहीं मैंने हेडफोन्स नहीं पहने हैं। रुको 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 रुको, समझ रहा हूँ मैं, ऐसा तुम्हारा टाइम पास का तरीका है। एक मिनट, अरे नहीं सर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सच में आ रहा है। हाँ अब आ रहा है क्या? नहीं सर अब नहीं आ रहा, कुछ सच में नहीं आ रहा, ठीक है कुछ नहीं किया। अभी आप बोलेंगे प्लेसिबो इफेक्ट का और क्या, दो सेकंड तुम्हारे साथ खाली फालतू एक्शन ऐसे दिखाया और कुछ नहीं, चलो हो गया, लिख लिया क्या तुमने? हाँ सर लिख दिया। मैं आगे बोलूं अगर मेरा आवाज डिस्टर्ब नहीं करता हो तो? जी सर। अच्छा तो सोडियम पोटेशियम में नेक्स्ट पेज पे हम लोग ये बोल रहे थे, स्मिथ बोल रहा था कि वापस बताओ, वापस अब सेम चीज तो रिपीट करने में बोर हो जाएंगे तो वापस क्या बताएं। देखो मैं इसको एक बार फिर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों हम लोग को साइज और जेड इफेक्टिव को सेम नहीं समझना चाहिए। ठीक है देखो, साइज एंड जेड इफेक्टिव, ठीक है, आर टू ठीक है, इंडिपेंडेंट एंटिटीज, ये बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक्चुअली मिलके डिसाइड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होने वाला है। ठीक है तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, सुनो स्मिथ, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तुमने एक चीज नोटिस की कि जैसे पी ब्लॉक की बात करूं, सबका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2s2p सबका सेम कॉन्फ़िगरेशन था कि नहीं था बताओ? बोरॉन का भी 2s2p, कार्बन का भी 2s2p, नाइट्रोजन का भी 2s2p, सबका 2s2p सेम था on moving from left to right. हाँ सर समझ रहे हो, तो इसका मतलब जब सबका 2s2p सेम है तो इट इज लाइक, तुम ऐसे समझो कि मैंने जो है सबको सेम साइज का बैग दिया है। ठीक है गाइस, देखो देखो चलो पेन रोको, रोशिक रुक जाओ, टाइम मिलेगा तुम्हें कॉपी करने का, एकदम रेस मत करो कि मैं सबसे पहले कॉपी करके जो है फिर लेट जाऊंगा। देखो तो वो 2s2p सबका सेम है, तो इट्स लाइक मैंने सबको सेम साइज का बैग दिया, सबको सेम साइज का वो जील का बैग दिया है। तो भाई इसमें जब बैग का साइज सेम है तब तो मैं ये बोल सकता हूं ना गाइज कि जो जितनी ज्यादा कॉपीज ठूसेगा उसका बैग थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं उस केस में बोल सकता हूं ना कि साइज ऑफ बैग कॉपीज के प्रोपोर्शनल है भाई। मैं इस केस में बोल सकता हूं कि साइज थोड़ा बहुत किस पे डिपेंडेंट है बताओ,
साइज थोड़ा बहुत किस पर डिपेंडेंट है? जेड इफेक्टिव पे, क्योंकि सिंस ऑर्बिट नंबर्स इज सेम ठीक है, तो इसलिए जब ऑर्बिट नंबर सेम है तो साइज इज स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन, थोड़ा सा किस पर डिपेंडेंट है बताओ? स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन जेड इफेक्टिव। तो ये तो थोड़े कॉमन सेंस की बात है ना कि जब इधर जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ? इंक्रीज कर रहा है। देखो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, सुनो, इसलिए साइज स्लाइटली क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा बताओ? डिक्रीज करेगा। तो पीरियड के अलोंग जो डिक्रीज है साइज का वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? इट इज नॉट फिनोमिनल। मतलब अगर ये 70 पिकोमीटर है तो अगला वाला भाई क्या होगा, 60 पिकोमीटर चला जाएगा, 10 पिकोमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्या होगा, 53 पिकोमीटर हो जाएगा, 7 पिकोमीटर और कम हो जाएगा। लेकिन अलोंग पीरियड, सुनो, ये 70 पिकोमीटर का जो है ये बढ़ के सीधा 150 पिकोमीटर होगा। अलोंग द पीरियड द इंक्रीज इन साइज इज एक्चुअली फिनोमिनल। अब उसका रीजन जो है ये बोल देना कि क्योंकि सर अब पीरियड में नीचे जाने पे जो है साइज डबल हो गया, ऐसे नंबर ऑफ बुक्स जो है डबल है, थोड़ा गड़बड़ इसलिए है बिकॉज अलोंग द अलोंग द ग्रुप, आई एम सॉरी, ठीक है, अलोंग द ग्रुप व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर क्या प्रॉब्लम है, अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, बोलो है कि नहीं, बोलो भी तन्मय। अब जब तुम नया शेल ऐड कर रहे हो, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ उत्कर्ष, जब तुम नया शेल ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो तुमने बताओ क्या कर दिया, तुमने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया बताओ, बैग का साइज अपग्रेड करके कुछ सामान ही दूसरा रख दिया है यहां पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक 2s2p का जो एटम होगा, 2s2p का जो एटम होगा, ठीक है, वो 3s3p के एटम से क्या होगा गाइस बताओ? वो 3s3p के एटम से क्या होगा? छोटा, क्योंकि तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही एक बढ़ गया है ना भाई, तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही एक बढ़ गया है। तो अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, सो इंक्रीज इन साइज ठीक है, इज ड्यू टू क्या बताओ, इज ड्यू टू एक्स्ट्रा शेल्स, इवन दो जेड इफेक्टिव इज कॉन्स्टेंट, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम है। तो कंक्लूजन क्या है देखो इस पूरे डिस्कशन का, कि बताओ एफ ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन, मुझे बताओ एफ ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ? जेड इफेक्टिव ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि नहीं बताओ, बोलो बोलो उत्कर्ष। हाँ सर, ठीक है, अब तो हो गया नाश्ता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस कैसे होगा अगर हम नीचे जा रहे तो बढ़ेगा ना? अरे अरे एक मिनट, फोर्स का तो फॉर्मूला ये है जोहेब, इसमें क्या दिक्कत है यार? हाँ सर समझा, फॉर्मूला तो यही है ना भाई, इसलिए सुनो, पीरियड में जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो, ये तुम्हें लर्न करना है, देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताओ, जेड इफेक्टिव या आर? क्योंकि R तो सबका थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है बच्चों, लेकिन बताओ मुझे सेम ऑर्बिट नंबर है कि नहीं 2s2p सबका, तो R में चेंज कम है, तो सारी प्रॉपर्टीज किससे डिसाइड करके आंसर करनी होती है हमें? प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय Z इफेक्टिव। ये मेजर क्या है बताओ हमारे लिए फैक्टर रहेगा डिसाइड करने का। और टॉप टू बॉटम जब तुम मूव कर रहे हो तो जेड इफेक्टिव क्या रहेगा बताओ? ऑलमोस्ट सेम रहेगा। प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय क्या बताओ? उसका साइज। यस, गवर्न्ड बाय आर।
अब तुम इनसे आंसर निकालोगे तो तुम्हारे आंसर जो हैं वो प्रॉपरली सेट होके आ जाएंगे कि भाई मुझे ये बताना है ना कि टॉप टू बॉटम जाने पे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। बताओ इसका आंसर क्यों है निकालना आसान, क्योंकि पोटेशियम का आर क्या है, बड़ा है। तो फोर्स क्या होगा जुहेब? तो तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है बताओ उसका? इजी। ये पेज लिखो, सर। तो फिर अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते तो लास्ट में सडनली फिर साइज क्यों बढ़ जाता है एटम का? मतलब जो मतलब हम लोग को बताया गया था कि मतलब स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है उसमें ये ट्रेंड होता है, फिर लास्ट का जो एलिमेंट होता है वो सडनली उसका साइज बढ़ जाता है। लेकिन फिर आ रहे हैं, हम इसके बाद में एटॉमिक साइज ही करने वाले हैं, उसमें देखने वाले हैं उसको। दिखा भी सबने सर, एक सेकंड। सर ये बड़ा वाला ही किसके लिए सेंड कर रहा था? बड़ा वाला सर ये आपने कहा प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय ई, वो किसके लिए स्टैंड है? नहीं नहीं ई नहीं है, कहाँ लिखा है ई? आर। अच्छा सॉरी, कितनी बड़ी बेइज्जती। सॉरी सर। आर कैसे लिखते हो भाई, ऐसे? सर अब समझ आ रहा है। छापा भाई, देखो। तो बिफोर गोइंग अहेड, ये मतलब ये पॉइंट हमें याद रखना है, हम पूरे चैप्टर में इसको यूज करते रहेंगे, समझ रहे हो? इस जो है कंक्लूजन को, जब भी मैं तुमसे लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन करवाऊंगा तो तुम अपने जो है आंसर्स इस पे बेस करके दोगे, और टॉप टू बॉटम में अपने आंसर्स तुम इसके ऊपर बेस करके दोगे। तो बिफोर वी गो अहेड एंड स्टार्ट द फर्स्ट एट द
the first periodic property, we need to understand. Sir, ek second last slide dikhao na. Jaldi karo bhai. हो गया अच्छा ठीक है द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट सिग्मा वैल्यूज फॉर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स डी एंड एफ ब्रैकेट्स अच्छा डी एंड एफ ब्रैकेट्स का सिग्मा वैल्यूज डिफरेंट चलो ये तो ठीक है चलो इसमें ये तो तुम इससे ज्यादा जरूरी देखो एक चीज है जो हमें सीखनी है एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन ठीक है तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज अ वेरी might be disturbing या might be तुम्हारे लिए interesting ठीक है phenomena है shielding and penetration shielding और penetration का मतलब क्या होता है ठीक है what is penetration penetration is like the extent of any electron wave कोई भी electron ठीक है जो ये वर्ड लिटरली मीन कर रहा है वही इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन ठीक है एंटरिंग डीप इनसाइड या इन अदर वर्ड्स क्लोजर टू क्या बताओ क्लोजर टू न्यूक्लियस ठीक है जितना न्यूक्लियस के पास जा सकता है वो उसका पेनिट्रेशन है एंड व्हाट इज शील्डिंग सुनो व्हाट इज शील्डिंग द एक्सटेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन ब्लॉकिंग द न्यूक्लियस फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड इट्स ब्रैकेट उसके खुद के ब्रैकेट के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए न्यूक्लियस को ब्लॉक करने की टेंडेंसी ठीक है वो जो है वो शील्डिंग है तो सबसे पहले तुम्हें ये बात क्लियरली समझ में आती है गाइज देखो ये वाला सपोज एस है देखो ये वाला एस का कर्व है एक सिंपल 1s का और ये वाला एक्चुअली 2p का कर्व है देखो ये वाला 2p का कर्व है तुम्हें ये बात समझ में आती है कि इसमें से किसका ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है क्लियरली देख के समझ में आ रहा है सी इट्स लाइक एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है धीरे धीरे एस का ठीक है तो निश्चित रूप से द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग नियर द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग ना तो पेनिट्रेशन किसका ज्यादा है बताओ एस और पी में से पेनिट्रेशन किसका ज्यादा होगा हमेशा S का ज्यादा होगा अच्छा अगर मैं 3D लूंगा गाइज 3D मैं D लेके आता हूं तो D जो है वो इतना ज्यादा फ्लैट हो जाता है D कि उसका सारा मामला ही देखो एकदम फैल जाता है इट्स सो स्प्रेड आउट ठीक है ये 3D है सपोज इतना फैला हुआ है कि D का पेनिट्रेशन और कम है बिकॉज ये ज्यादातर टाइम कहां स्पेंड करता है कुछ तुम ऐसा रफली मान लो जहां मैक्सिमा है ये ज्यादातर टाइम वहां पे स्पेंड कर रहा है यहां पे इस डिस्टेंस पे पी वाला ज्यादातर टाइम कहां स्पेंड कर रहा है लेट से यहां पे स्पेंड कर रहा है एग्जैक्टली ये नहीं है बट हमारे लिए एकदम परफेक्टली सेंस बनाएगा और एस वाला ज्यादातर टाइम कहां स्पेंड कर रहा है यहां बोलना गलत हो जाता है वो न्यूक्लियस नहीं है बिकॉज ऑफ दैट 4πr² जो भी कुछ इसमें होता है मल्टीप्लाई एस वाला और अंदर कर रहा है तो पेनिट्रेशन के लिए क्लियरली ये ऑर्डर है हमारे पास में कि एस इज मोर देन क्या बताओ पी इज मोर देन डी ये सबको समझ में आता है क्या फील होता है तुम लोगों को ये सर ग्राफिकली वो जो है ना एक और बार एक्सप्लेन करना है भाई ग्राफिकली जहां पे देखो जिस लाइन का जहां पे हाइट ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा रहेगा ना भाई ग्राफिकली यही मतलब है ना भाई उस डिस्टेंस के आसपास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाचेगा
तो डी का एवरेज डिस्टेंस दूर है ना बताओ पी से. Yes, ठीक है ना बताओ. वही बोल रहे हो ना इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इसमें वो सेंटर के उधर ज्यादा रहती है और बाहर आते कम होता है और पी में उल्टा होता है सेंटर की ओर कम होता है और डेंसिटी पी में ज्यादा बाहर की ओर रहता है. तो तो जो जो एक्चुअली डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो पी की क्या है सेंटर पे कम है. देखो बाहर आते आते बढ़ी और फिर वापस कम होना शुरू हो जाएगी. तो जहां बढ़ के मैक्सिमा हुई वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है. बोलो समझे क्या. तो जब अच्छा जब बताओ पेनेट्रेशन का ये इफेक्ट है ठीक है तो बताओ बाहर के इलेक्ट्रॉन को कौन सबसे इजीली. मैंने ये ग्राफ कैसे बनाया. अरे क्या बात कर रहे हो. अरे ग्राफ तो बनाया था ना हम लोगों ने श्रोडिंगर में. अरे भाई एस का ग्राफ तुम्हें लिखवाया है ना. एस की पहचान क्या है. एस ऊपर से चालू बाकी सब ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं. सो तुम्हें बताया है ना भाई. तो मुझे बताओ सुनो बाहर के इलेक्ट्रॉन को कौन सबसे ज्यादा मामू बनाएगा. कौन सबसे इजीली बेवकूफ बना सकता है. पीछे के इलेक्ट्रॉन को कौन सबसे इजीली बेवकूफ बना सकता है. मतलब ये तुम सुनो तुम जब क्लास में बैठे हो ठीक है तो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इरिटेट यू मोस्ट. जो हर समय डाउट पूछते रहे हर समय टीचर समझ रहे हो. हर समय जो है चिक पिक करते रहे बोलते रहे वो सब बच्चे. जो ज्यादा इंटरेक्टिव है वो जो है ज्यादा करते हैं. अच्छा एक मिनट रुको गाइस एक मिनट रुको. हाँ सॉरी. तो खैर मैं बोल ये रहा था कि ये रीजन है. तुम्हें पता है सबसे पहले जब हाइड्रोजन का हमने एनर्जी लेवल लिखा था तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल पे द ओरिजिनल एनर्जी लेवल ठीक है उसके ऊपर n प्लस l का ऑर्डर वैलिड नहीं होता है. आर फर्स्ट एटम उस पे n प्लस एल का ऑर्डर वैलिड नहीं होता. उसके एनर्जी लेवल्स n प्लस एल से नहीं डिसाइड होते हैं ठीक है. अच्छा मैं फिर सर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना. हाँ देखो 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 सुनो देखो देखो. अच्छा ये बात हमें समझ में आई कि पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग दोनों का यही ऑर्डर है. पेनिट्रेशन और शील्डिंग दोनों का यही ऑर्डर है कि एस वाला अंदर ज्यादा पेनिट्रेट भी करता है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बताओ अच्छे से शील्ड भी कौन करेगा. एस ही करेगा ना. ठीक है एस ही करेगा ना. डी और एफ में देखो इन 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 दोनों का इतना ज्यादा डिफ्यूज शेप है. सुनो डी एंड एफ आर सो डिफ्यूज्ड एंड स्प्रेड आउट ठीक है दैट दे रिजाइड मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करते हैं बताओ. दे रिजाइड फार फ्रॉम न्यूक्लियस बहुत दूर रिजाइड करते हैं
फार फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड देम. सुनो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां लिखवा रहा हूं, तुम्हें चैप्टर में जगह जगह इसका फील मिलेगा. नाउ इमेजिन अ क्लास जिसमें जो है, देखो, जिसमें जो है तुम्हारे पास में ये बेंचेस थी अलग अलग, एक्चुअली अलग अलग बेंचेस थी, ठीक है. अब यहां पे जो बच्चे हैं, सुनो, ये एक्चुअली क्या है, उछल उछल के डाउट्स पूछते हैं बहुत, एंड दे ऑल आर जंपिंग इन देयर सीट्स. तो इसके पीछे के बच्चे जो हैं, ठीक है, दे विल बी सो ब्लॉक्ड, ठीक है, इन व्यूइंग टीचर्स, इनको हमेशा दिक्कत होगी. और इमेजिन दूसरी क्लास जिसके अंदर क्या है बताओ, जिसमें जिसमें सब बच्चे सोने जा रहे थे, तो ये बच्चे जो है ये पूरा फ्लैट लेट गए हैं बेंच पे, दे आर लाइक डेड, ठीक है. तो इनके पीछे के बच्चे जो होंगे दे विल बी लाइक, ठीक है, सो एक्सपोज्ड, ये बात समझ रहे हो क्या बताओ, टीचर के सामने दे विल बी लाइक सो एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ टीचर. ये चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बहुत जबरदस्त तरह से होने वाली है अभी आगे, समझ रहे हो. दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू एक्सप्लेन मेनी एक्सेप्शंस एंड डेविएशंस इन आर पीरियोडिक टेबल, दैट इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लिविंग जस्ट आउटसाइड डी एंड एफ, ठीक है. तो क्योंकि डी एंड एफ की शील्डिंग क्या है बताओ, डी एंड एफ की ब्लॉकिंग कैसी है बताओ, अच्छी या खराब? खराब है. खराब है. डी एंड एफ की ब्लॉकिंग खराब है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स डी एंड एफ के बाहर रहते हैं उनको जेड इफेक्टिव क्या फील होगा बताओ, जरूरत से ज्यादा. और वो ज्यादा फील होने की वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होना शुरू हो जाएंगी, कि उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा बताओ, मुश्किल होगा. उन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की ग्रिप भी क्या रहेगी बताओ, ज्यादा. इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड देम फील, फेल लिखा है, ठीक है, फील हायर जेड इफेक्टिव देन यूजुअल, ठीक है. इस पेज को कॉपी कर लो, ठीक है. अभी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो अब आएगा, देखो. हाँ, लेंथेनाइट इलेक्ट्रोनाइट सीरीज वगैरह में एक्सेप्शन इसकी वजह से आते हैं. ये देखो ना एग्जाम्पल, मुझे लगा तुम अप्रिशिएट करोगे इसे. ये बच्चा सो गया तो इस पे नजर ज्यादा होगी ना. हाँ सर. वही तो लिखवाया है कि जो लोग न्यूक्लियस के पास नहीं जाएंगे, ज्यादा दूर बैठे रहेंगे, ठीक है, उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको न्यूक्लियस का पुल ज्यादा मिलेगा ना बताओ. हाँ या ना कुछ बोल दो. सर एक मिनट. अरे तुम इसमें ही फिर से बताना है, तो फिर से बताने का भी टाइम तुम ज्यादा. वो आपने लिखा ना नीचे एकदम, फील के बाद कर ले. फील के बाद लिखना है, जगह नहीं है. अरे सर, अरे लिख रहा हूं ना, दे रिजाइड फार फ्रॉम न्यूक्लियस. रुक जाओ, दे रिजाइड फार फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स जस्ट आउटसाइड देम. अरे प्रसन्न बता भाई, समझा कि नहीं समझा, सो गया है क्या? मैं कुछ समझ रहा सर, एक मिनट. अच्छा सर, सोच रहा हूँ मैं, एक मिनट. अच्छा, बाकी और कोई? इलेक्ट्रॉन्स जस्ट आउटसाइड देम फील एक्सेप्शनली हाई जेड इफेक्टिव. राधिका समझा कि नहीं समझा, सो गई? यस सर. नहीं सर. अच्छा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं. देखो,
ये लाइन लिख ली सर, एक मिनट। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भगवान ने सब बच्चों को बराबर अपॉर्चुनिटी दी थी, समझ रहे हो? इट इज लाइक क्लास में तुम सबको आने का बैठने का परमिशन सेम था, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो 8 बजे की क्लास में जो है वो 7:30 बजे आके बैठ जाते हैं, देर लाइक उन्हें सीट रोकनी है। ठीक है, जाएं भैया अगले पेज पे। हाँ सर। देखो तो ओरिजिनल हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स, द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विद जीरो शील्डिंग एंड विद जीरो शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग वर लाइक दिस। ठीक है, कैसे थे बताओ? ये था 1s, ये था 2s गाइस, और इसके बराबर कौन था एग्जैक्टली? 2p। तो एक चीज नोटिस करो कि ये सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? और यस, और ये था 3s और ये 3p और ये इसके बराबर बिल्कुल, क्या बताओ? 3d, 3, 4, 5। एंड सो ऑन, 4s, 4p, 4d, 4f। तो इसका जो डीजनरेसी लेवल है गाइज, इसका डीजनरेसी जो है वो बोल देते हैं कि ये 4 है, पता है? सेकंड ऑर्बिट का मतलब एक्चुअली ये था, एक्चुअली दिस वॉज बोर्स कंप्लीट सेकंड ऑर्बिट, एकदम बराबर था। क्योंकि बताओ, एक ही बच्चा खेलने वाला था ना भाई, नीचे न्यूक्लियस है तो एक ही बच्चा खेलने वाला था। ठीक है, तो जब वो बच्चा सेकेंड ऑर्बिट में रहता था, सुनो, तो अगर वो 2s में रहेगा तो भी उसकी एनर्जी सेम रहेगी, और अगर वो 2pz में रहेगा तो भी उसकी एनर्जी सेम रहेगी, बिकॉज इनमें कोई डिफरेंस था ही नहीं कभी। प्रॉब्लम कब शुरू हुआ, सुनो, पार्शियलिटी कब शुरू हुई? ठीक है भाई, तुम अगर यू आर द सोल एयर of the entire of your entire parents, ठीक है, everything, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मम्मी ने तुम्हें एक दिन जम के मारा, खींच खींच के, एकदम बहुत कस के, एक ही है, तो कंपेरिजन का बात ही नहीं है। दो होते हैं तो दिक्कत है ना, क्यों नंदिनी? राधिका, दो में हमें कंप्लेन है, उसको नहीं किया, मुझे बोल दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आया ना तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो दीज टू इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड कंपीटिंग विद ईच अदर, समझ रहे हो? तो तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन आते आते तो इतना ज्यादा जो है मेस क्रिएट हो गया एटम के अंदर। ठीक है, कि ध्यान से देखो, अच्छा सपोज मैं कार्बन के न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, कार्बन के एटम का न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा साइज में। ठीक है, इसका मतलब बताओ उसका 1s जो है वो बताओ एनर्जी वाइज नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा? 1s का एनर्जी बताओ कम हो जाएगा उसका, बात मानते हो? बिकॉज उसका न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर ही इतना बड़ा है कि उसका उसका जो 1s है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये उसका 1s है। ओ आई डिडंट नो 3 है राधिका सर, वो कजन है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा तुम्हें कजन है? हाँ सर। ओ, मुझे लगा रियल सिस्टर है तुम्हारी। नहीं सर। ओके, तो
हाँ बोलो। आपने क्या करा सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्योंकि तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ सर। अब अभी रुक जाओ, बैठो अभी। ठीक है, देखो तो इसका 1s बताओ नीचे आ जाएगा, सही बात है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा अब मुझे बताओ कि जब कार्बन का कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 है तो डू यू रियलाइज दिस, ठीक है, कि आगे के बच्चे सो क्यों गए। ले प्रसन्न तुम तो मतलब एकदम ही, मतलब यार कभी कभी ना जोक बना देते हो यार। सर आपने जो एक बार स्टोरी बोला था चार बार का, सर मैं वो कैरेक्टर से मिलता जुलता हूँ। हाँ वो तो ठीक है बेटा, बट अभी रुक जाओ। देखो देखो मेरी बात सुनो, ये बताओ प्रसन्ना, 1s2 का इलेक्ट्रॉन, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 का इलेक्ट्रॉन इसको भी धक्का देगा और उसको भी धक्का देगा, देगा कि नहीं देगा बताओ। हाँ सर। और मुझे बताओ कि दोनों को धक्का देने का एक्सटेंट अलग अलग है कि नहीं बताओ। हाँ सर। क्यों बताओ, 2s2 और 2p2, बच्चों मेरी बात का जवाब दो। देखो चारू भी, 2s2 और 2p2 कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा घुसता है? S वाला घुसता है। तो बताओ किसको मामू बनाना इजी है 2s2 और 2p2 में से? किसको मामू बनाना इजी है? सर पी वाले को मामू बनाना इजी है ना भाई? Yes, sir, जैसे तुम्हारे क्लास में एक बच्चा बहुत बोलता है तो भाई कुछ बच्चे होंगे ना बताओ जो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे, बीच में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो चिल्ला चिल्ला के बीच में पूछते रहेंगे। तो ये वो बच्चा है जो बीच बीच में चिल्लाता रहता है, समझ रहे हो? और ये बच्चा जो है ये थोड़ा शाय है, तो जो बहुत बोलता है उसका लॉस किसको ज्यादा होगा बताओ? अरे उसका लॉस किसको ज्यादा होगा बताओ? 2p2 को ज्यादा होगा ना। Yes, इसलिए होता यह है कि अब की बार जो एनर्जी लेवल, देखो दोनों के अलग अलग थे, ये यहां पे चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखो तो 2s भी नीचे जाएगा, सुनो, और 2p भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे पुश होगा, ये भी नीचे पुश होगा, लेकिन दोनों के नीचे पुश होने का एक्सटेंट क्या होगा बताओ? वो अलग अलग होगा। तो इनमें हल्का सा गैप जनरेट हो जाएगा 2s और 2p में। ये जो गैप हुआ है यहां से देखो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहां से क्या लगना शुरू हुआ है बताओ? प्रॉपरली N+L लगना शुरू हुआ है, समझ रहे हो गाइस? अच्छा इसका इंपैक्ट सुनो, इसका इंपैक्ट क्या होगा पता है? इसका इंपैक्ट पूरे एटम पे ऊपर तक आएगा एंड सबके मामू बनने का टेंडेंसी जो है वो अलग अलग है। बताओ नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? 3s नीचे आएगा थोड़ा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर बड़ा है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर बड़ा है ना भाई, सबको नीचे ड्रैग कर रहा है वो। लेकिन बताओ 3s जितना इजीली अंदर घुसेगा, 3p उतना इजीली अंदर घुसेगा क्या बताओ? नहीं घुसेगा। और 3d क्या होगा बताओ? और मुश्किल से अंदर घुसेगा, क्योंकि 3d तो और डिफ्यूज है, वो तो और सोने वाले बच्चे हैं। तो अगर टीचर ज्यादा चिल्ला रहा है तो 3d पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा ना। कैन यू नोटिस दैट पैटर्न फॉर्मिंग? और एक चीज बता, देखो एक चीज बता, देखो तो बताए अभी तक 4s कहां है गाइज? सुनो 4s इसके ऊपर है, मतलब अभी तक क्या है बताओ? 3d 4s के नीचे है, उसके बाद में 4p आता है, उसके बाद में 4d आता है, उसके बाद में 4f आता है। मतलब N+L ऑर्डर में एग्जैक्टली देखा जाए, सुनो गाइज, तो पता है 3d 4s के नीचे है, लेकिन हमने तो 3d 4s के ऊपर याद किया है, बोलो है कि नहीं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन के पास में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताओ सिर्फ मुझे कितनी जगह चाहिए? सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? Yes, तो जब मुझे इतनी सी जगह 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चाहिए गाइज, तो इसके ऊपर का ऑर्डर एग्जैक्टली N+L नहीं है बच्चों, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है बिकॉज मैंने अभी तक वो दरवाजे खोले नहीं है।
ये बात समझ रहे हो? जैसे जैसे मैं कार्बन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम ठीक है मैग्नीशियम आगे चल रहा हूं वैसे वैसे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वैसे वैसे बताओ इसका शील्डिंग क्या होगा ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स को और बताओ क्या होगा धीरे धीरे ज्यादा होता जाएगा ज्यादा होगा तो जब वो और ज्यादा होता जाएगा तो हर बार शील्डिंग में सब अंदर की तरफ श्रिंक करेंगे बच्चों और हर बार कौन थोड़ा सा पीछे छूट जाएगा बताओ 3D पीछे छूट जाएगा एंड देर विल कम अ टाइम ठीक है जब 3D पीछे छूटते छूटते सडनली कौन ओवरटेक कर लेगा इसको रेस में 4S तो हमें समझना है कि अगर तुमसे कोई हीलियम का एनर्जी लेवल पूछता है बच्चों सुनो तो ऐसा नहीं है कि उसके इन्फानाइट ऑर्बिट्स में हीलियम के सब में n प्लस एल रूल ब्लैंकली अप्लाई हो गया है ये बात समझ रहे हो क्या सर आप वो 3D वाला पॉइंट वापस बोल सकते हो ओवरटेक करने वाला मैं ये बोल रहा हूं कि तुम जैसे जैसे नए नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हो हर बार ये सारे एनर्जी लेवल्स मॉडिफाई होते हैं कि नहीं होते हैं बताओ समझ रहे हो ये सारे एनर्जी लेवल्स मॉडिफाई होते हैं हर बार क्या होता है न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर बढ़ने से जिस स्पीड से एस अंदर आता है वो स्पीड क्या होती है बताओ मैक्सिमम होती है पी की स्पीड थोड़ी कम होती है मतलब एस ज्यादा स्पीडली आएगा पी थोड़ा कम आएगा एस ज्यादा स्पीडली आएगा पी थोड़ा कम आएगा और डी और स्लो आएगा सर बेसिकली 4S भले उससे आगे बढ़ो उससे स्पीड इतनी ज्यादा है कि ओवर टाइम वो ओवरटेक कर देगा 4S एक्चुअली ऊपर था 2D के वो पहले ऊपर ही था एंड तुम्हें पता है यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो एक्चुअली आर्गन तक 4S ऊपर रहता है तुम्हें पता है जब तक हम कहां तक भरते हैं बताओ 3P6 तक भरते हैं ना जब तक हम तब तक 4S ऊपर रहता है 3D से लेकिन जैसे ही हम 3P6 के बाद में अगला इलेक्ट्रॉन डालने आते हैं एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालते ही दोनों बिल्कुल नेक टू नेक थे 4S और 3D एंड ये जस्ट इसको ओवरकम कर लेता है तो इट्स लाइक जैसे ही हमने रूम खोला तो रूम खोलते ही हमें क्या मिल गया बताओ 4S पहले मिल गया तो हमें ऐसा लगता है कि एज ए 4S जो है वो नीचे था शुरुआत से बट ऐसा था नहीं ठीक है ये एक्चुअली वैसे तो देखो कोई तुमसे ऐसे इतना पूछेगा नहीं लेकिन इस पे सवाल डायरेक्टली आता है गाइस किस पे सुनो इसके ऊपर सो यू नीड टू एक्चुअली कॉपी दिस स्लाइड मैं ये तुम्हें भेज रहा हूं पार्ट बोल सकता है मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसमें देखो इसके ऊपर सवाल क्या आता है मेरी बात सुनो अगर कोई तुमसे लिथियम प्लस टू के बारे में बात करेगा सुनो जोहेब बाकी बच्चों भी सुन लो तुमसे अगर कोई लिथियम प्लस टू के बारे में बात करेगा तो यू हैव टू बी केयरफुल वेरी केयरफुल एंड रिमेंबर कि ये स्पीशीज कैसी है हाइड्रोजन लाइक है इसलिए इसके अंदर जो है एल का कोई यूज नहीं है समझ रहे हो इसके अंदर एल का कोई रोल नहीं है तो तुम लोग इतना जो है स्लाइड कॉपी कर लेना सर आर्गन के बाद जब हम लोग कार्बन को जैसे क्रॉस करें तभी वो एनर्जी लेवल ऑफ डी बढ़ता है क्या इससे कार्बन को क्रॉस करते हैं आर्गन के बाद क्या बोल रहे हो सर आपने आर्गन कुछ तो बोला था हाँ सो रहे थे क्या तुम नहीं सर मैं लिख रहा था मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ तुम्हें कितनी बार बोला है पहले सुनो तुम पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते रहते हो यार मेरी एक एक बात सुनो ना ध्यान से तुम लोग मुझे बोल देते हो सर के सर हो जाए सर वापस एक और बार चलिए अरे मतलब मैं कहां से क्या शुरू करूं कहां से क्या बोलूं एकदम केयरफुली मेरी बात जो है वो जो गिर रही है तुम्हारे ऊपर जो मैं शिट स्प्लैटर कर रहा हूं उसको एब्जॉर्ब करो उसको पकड़ो उसको जाने मत दो फिल्टर इट आउट भाई ये तो रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास में बहुत बड़ा बेनिफिट है रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो क्या करोगे बताओ तुम तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो तो तुरंत एक अमेजोन पे स्केल में हैंडीकैम ऑर्डर करो और कॉपी नहीं हैंडीकैम लेके बैठा करो क्लास में ताकि फैसिलिटी जो है अवेल करते रहो और वो क्लास के लिए नहीं लाइफ लॉन्ग रखो ठीक है हर समय अपने गले में हैंडीकैम लटकाए रखो
ताकि तुम जहां भी जाओ आगे भी लाइफ में वहां सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे सीसीटीवी की तरह। हाँ सॉरी जबरदस्ती लंबा लेक्चर दे दिया। उत्कर्ष क्या पूछ रहा था बता भाई। सर आर्यन मतलब आप बोल रहे हो ना कि जैसे पहली बात बता कि तेरा कैमरा कहाँ है। सर तूने आज पूरी क्लास में ऑन किया। क्लास एंड हो गई सर। तूने ऑन नहीं किया ना पूरी क्लास में। किया सर आपने देखा नहीं क्या। नहीं देखा। मैम ने डाला था ना। हाँ आप ग्रुप में डाला होगा नाम। फिर क्या मैम ने नाम कैमरा नहीं ऑन करने वालों का डाला है भाई। हाँ फिर मैंने ऑन किया तो ग्रुप में नहीं डाला होगा। मेरे पास अभी फोन नहीं है सर इसलिए देखा नहीं। मैंने ऑन किया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में जैसे ही मैम गई तो वापस ऑफ कर लिया। नहीं सर वो तो बहुत बाद में थोड़े टाइम पहले किया है ऑफ। ठीक है भाई। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे आप बोल रहे हो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स फेल होंगे तो वो शील्डिंग वील्डिंग की वजह से ये नीचे आने लगेंगे। हाँ। और एस सबसे फास्ट आएगा पी उससे थोड़ा कम रेट में आएगा फिर डी उससे भी कम तो हाँ। ऐसे कर करके एक पॉइंट के बाद 4s 3d से नीचे आ जाएगा। हाँ। वो आर्गन के बाद होता है क्या। हाँ ये आर्गन के बाद होता है। अच्छा आर्गन के बाद ठीक है वही पूछ रहा था सर। इसलिए क्या होगा मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ। सपोज फॉस्फोरस है ठीक है उत्कर्ष तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। देखो चेक कर लो सही लिखा है क्या मैंने। ठीक है तो अगर ये होता है तो अगर तुमसे किसी ने बोला कि फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया समझ रहे हो उत्कर्ष तो ये 3p3 से पता है किसमें जाता है पहले 3d में 4s में नहीं जाता है क्योंकि 3d इसके क्लोजर है फॉस्फोरस को। हाँ सर समझा। ठीक है ये हम बाद में देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में। तो मैं तुम्हें इस जो है कॉन्सेप्ट पे जेई में एक सवाल आया था मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में देता हूँ इसके ऊपर समझ रहे हो इसके ऊपर। तो हम नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक साइज स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू। और आपने सेकंड बैच में पढ़ा है। नहीं सेकंड बैच में नहीं पढ़ाया है मैंने। आज होगा शाम में। तो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ तो मैं आ सकता हूँ क्या। आ सकते हो एक बार जरा रिकॉर्डिंग देख लेना पहले ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग से ना हो तो फिर आ जाना मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड हो जाए। ठीक है सर तब तक हो जाएगा रिकॉर्डिंग अपलोड। अगर नहीं हो तो आ जाना। क्या बोल रहे हो रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड करने को बोल। हाँ मैं बोलता हूँ। ठीक है चलो बाय सर। मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। तो मुझे डाउट है। बोलो सर अभी जो टेस्ट आया ना सर आपने उसके लिए बुकलेट दिया ना। हाँ मैंने बुकलेट नहीं मैंने हाँ मैंने बुक दिया एक हाँ, पोस्ट किया ना। हाँ, सर उसका मतलब नॉर्मल क्वेश्चन सर हो जाते सर हम लोग को उसका अलग से जो लास्ट में एडवांस क्वेश्चन है वो करने है कि मतलब स्टार्टिंग से जो उसमें दिया हुआ है ऐसा डिवाइड करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्लैंक्स पे इतने क्वेश्चन होते हैं। ये कैसा सवाल है भाई। वो बुक तो बहुत बड़ी है तो तुमको जितना तुम टाइम दे सकते। देखो तुम्हारे पास पता है तुम उससे पूछ रहे हो जोहेब ये बहुत अजीब बात है। सर मैंने वो जो मेरी बात तो सुनो जोहेब मैंने तुम्हें 2 हफ्ते से कोई होमवर्क ही नहीं दिया। 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से महीना भर से इनफैक्ट तो मैंने तुम्हें कोई होमवर्क दिया ही नहीं है। इसमें तुम उस पूरी बुक को अटेम्प्ट कर सकते थे जो 3 चैप्टर थे। तो मैं पूछने वही बोल रहा हूँ मैंने वो कर लिया है जो एडवांस वाला वो बाकी है तो वही पूछ रहा हूँ कि वो भी करूँ कि कहीं और से करूँ। नहीं नहीं एडवांस तो करना ही चाहिए ना यार देखना चाहिए उसमें क्या दिया एडवांस में। इनफैक्ट तुम्हें पूछना चाहिए कि इसका एडवांस का ये सवाल नहीं हो रहा है तो आपने पढ़ाया नहीं है कि काम का नहीं है। मैं बोल रहा हूँ पूरी बुक कर लेनी चाहिए तुम्हें। तुम ऑब्वियसली किसी ने की नहीं है ठीक है। वो बार बार कौन बोले भाई ठीक है। या तो जो ऑफिशियल होमवर्क होगा वो चेक कर लूंगा। ठीक है चलो। हाँ प्रसन्न मैं बताता हूँ चलो।